डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स है फिजियोलॉजी का, मैं डाला हूँ उसका जो आंसर है आज उसका हम डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, टेलीग्राम चैनल हो या यूट्यूब चैनल हो, जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि सबसे पहला जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, पहला क्वेश्चन हमारा था कि जॉन्डिस में, अगर आप देखेंगे जॉन्डिस में, सो जॉन्डिस में देयर इज एन अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया विच इज मोस्टली लाइकली ड्यू टू, मतलब किस वजह से हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया होता है। सो बेसिकली हाइपर बिलीरुबिनेमिया मीन्स क्या होता है, एक्सेस ऑफ बिलीरुबिन। हेमोलाइटिक जंडिस का अगर बात करेंगे तो वहां पे एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होता है हमारा आरबीसी का। आरबीसी का अगर हम देखेंगे यहाँ पे, वहां पे एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होता है, और बिलीरुबिन जो है वो अनकंजुगेटेड रहता है। सो बेसिकली वो हमारा यूरिन में अपियर नहीं करता है। सो इसका जो आंसर हमारा होने वाला है वो ये है कि इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ द रेड सेल्स, इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ द रेड सेल्स जो है वो हमारा आंसर होगा। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर था। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के समय जब हमारा डायफ्रागम कंट्रैक्ट करता है, देन हमारा इंट्रा प्लूरल प्रेशर को क्या होता है। इंट्रा प्लूरल प्रेशर क्या है आपको तो पता होगा। सो अभी हम बोलेंगे बेसिकली एटमोस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे इंट्रा प्लूरल प्रेशर को, सो बेसिकली इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो है वो हमारा नेगेटिव होता है एज कंपेयर टू द एटमोस्फेयरिक प्रेशर। सो अगर हम इंस्पायरेशन के टाइम पे हमारा जो प्रेशर है उसको देखेंगे तो वो हमारा -6 mm Hg रहता है, और एक्सपायरेशन के टाइम पे भी अगर हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये -2 mm रहता है। और हमारा जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर है वो क्या प्रिवेंट करता है, हमारा लंग्स को कोलाप्स होने से बचाता है। जैसे कि आप वाइटल कैपेसिटी वगैरह में पढ़ेंगे कितना वॉल्यूम का एयर जो है हमारा लंग्स के अंदर रहता है, सो उस समय आपको भी पता चल जाएगा। सो बेसिकली ये जो हमारा था इंस्पायरेशन के टाइप में, आप देख सकते हैं ये ज्यादा नेगेटिव है एज कम्पेयर टू द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन। सो इसका आंसर जो होगा वो ये होगा कि मोर नेगेटिव, इसका आंसर होगा मोर नेगेटिव। सो उसके बाद वाला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सो डिक्रीज इन द यूरिन आउटपुट, सॉरी ये डिजीज हो गया है, गलती से प्रिंटिंग लिखने में गलत हो गया। सो डिजीज डिक्रीज इन द यूरिन आउटपुट, आपको ये पता होगा बायोकेमिस्ट्री में भी ये टर्म आपको बहुत ज्यादा आप कॉमनली यूज किए होंगे, जैसा जब आपका यूरिन एग्जामिनेशन हुआ होगा तो उसका आंसर हमारा होने वाला है ऑलिगुरिया। उसके बाद जो आता है कैल्शियम आयन ट्रिगर्स मसल कंट्रैक्शन बाय बाइंडिंग टू, किसके साथ बाइंड होने से हमारा जो कैल्शियम आयन है वो ट्रिगर होता है। ये एम्स 2000 एम्स का पहला क्वेश्चन था, और ये नीट मतलब जो हमारा पीजी के लिए क्वेश्चन है उसमें भी आ चुका है। सो बेसिकली जो मसल कंट्रैक्शन है वो कब स्टार्ट होता है, जब हमारा जो कैल्शियम है, बहुत सारे जब कैल्शियम आयन है वो जब बाइंड करेंगे ट्रोपोनिन सी के साथ, तब हमारा मसल कंट्रैक्शन शुरू होता है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे जो कैल्शियम आयन है वो हमारा क्या है, लिंकिंग और कॉपलिंग एजेंट्स है। ये क्या है, लिंकिंग और कॉपलिंग एजेंट्स बिटवीन द एक्साइटेशन एंड द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। सो हमारा जो आंसर होगा वो ये होने वाला है, ट्रोपोनिन सी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, फास्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये केसीईटी 11 नंबर का क्वेश्चन है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजिंग ऑफ द एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, यानी कि मिट्रल वाल्व एंड द ट्राइकस्पिड वाल्व का क्लोज होने से हमारा फास्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। और हमारा फास्ट हार्ट साउंड है क्या बेसिकली, ये हमारा लॉब है, LUBB, लॉब साउंड इज प्रोड्यूस्ड। और आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन के वजह से एंड अर्लियर पार्ट ऑफ द इजेक्शन पीरियड के टाइम पे भी हमारा जो लॉब साउंड है ये प्रोड्यूस होता है। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा लॉब साउंड, सॉरी इसका जो आंसर होगा क्लोजिंग ऑफ द एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, एंड जो हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है उसका नाम क्या है, लॉब साउंड वाले हैं। यही था हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट।